स्वागत है आपका मेरी रस भरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पंजाबी स्टाइल में स्पेगेटी, और वो भी पंजाबी स्टाइल में। मैं कहीं की चीज उठा लो, अपने तरीके से बना लो, स्वाद आ जाता है, और क्या किसी को क्या पता चलेगा। ठीक है जी, ये मैंने ली स्पेगेटी, पानी मैंने गर्म कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें स्पेगेटी डाल देंगे, इसको उबालेंगे अच्छे से। ये लीजिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, और ये कुछ कबाब। ठीक है जी, इसको हम 5 मिनट के लिए इसे लाल कर लेंगे, साथ में कबाब भी लाल हो जाएंगे। ठीक है जी, स्पेगेटी हमारी बॉइल्ड हो गई है। ठीक है जी, अब हमने इसका पानी निकाल दिया। प्याज हमारे लाल हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और जो कच्ची लाल मिर्ची होती है ना उसका पेस्ट। ठीक है, सूखी लाल मिर्ची का टेस्ट अलग आता है, इसका टेस्ट कुछ अलग होता है। ये हमने डाल दिया, ये थोड़ा करारा होता है, कभी थोड़ी करारी बने कभी अच्छी लगती है। ठीक है जी, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और मैगी मसाला। ठीक है जी, ये मेरा स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। और मैगी मसाला ना मैं ऐसी चीजों में डाल देती हूँ क्योंकि स्वाद ना 4 चांद लग जाते स्वाद को। ठीक है जी, अब डाल देंगे हम इसमें स्पेगेटी। ठीक है जी, हाँ जी, अब हम डाल देंगे इसमें ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर जो मिक्स करके मैंने रखा हुआ बना के। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखो इसमें से जो आवाज आ रही है ना, ये ऐसे सूखी सूखी हो जानी चाहिए। मैं आज ये सूखी सूखी इसलिए बना रही हूँ, वो मेरे को हैवी हैवी नहीं बनानी है, तो बिल्कुल मैंने इसको सुखा दिया है। तो अब आप इसके ऊपर से अगर आप मेयोनीज कुछ भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, पर मैं अभी इसको ऐसे ही सर्व करूँगी खाने के लिए। ठीक है जी, तैयार है मेरी पंजाबी स्टाइल में स्पेगेटी, इसे भी ट्राई कीजिए और फिर बताइए कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है जी, थैंक यू।